हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल के अंदर रेशम रेशे को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रेशम होता क्या है और इसके एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जांतव रेशा रेशम, जांतव रेशा को हम कह सकते हैं इसको प्राणिज रेशा। क्या? प्राणिज रेशा। और प्राणिज रेशा क्या होता है? ऐसा रेशा जो हमें जंतु से या प्राणी से प्राप्त हो तो उसे हम जांतव रेशा या प्राणिज रेशा कहते हैं, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर सिल्क। देखिए, जो एनिमल फाइबर होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेशम। एनिमल फाइबर की बात करें अगर तो दो टाइप के एनिमल फाइबर होते हैं। एक हमारा होता है रेशम और दूसरा हमारा होता है ऊन, ठीक है। क्योंकि ऊन किससे प्राप्त होता है? ये भी एक जंतु, भेड़ बकरी और ऊंट वगैरह से प्राप्त होता है, तो इसको भी हम जांतव रेशा कहते हैं। और रेशम क्या? ये रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है, तो जिसको हम प्राणिज रेशा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जांतव रेशा में एक रेशम, दूसरा ऊन। आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो रेशम। तो थोड़ा सा हम बैक जाके देख लेते हैं कि ये रेशम आया कहाँ से है और किस जगत का है, कैसे, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण करके हम जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम रेशे का वर्गीकरण करते हैं। तो जब रेशे का वर्गीकरण करेंगे तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा कृत्रिम रेशा। एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा कृत्रिम रेशा। अब प्राकृतिक रेशे को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, एक वनस्पतिक रेशा और दूसरा प्राणिज। एक वनस्पतिक रेशा हो गया, दूसरा प्राणिज या जिसको जांतव भी बोलते हैं प्राणिज रेशा, और तीसरा हमारा खनिज हो गया। अब हम जहां तक आगे देखें कि वनस्पतिक रेशा में तीन टाइप का आता है, एक हमारा बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा तने से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। ये हो गया वनस्पतिक जगत का। और बीज से प्राप्त होने वाले रेशे में एक कपास आता है, कपोक आता है, और तने से प्राप्त होने में लीलन, पिन्ना, लीलन और पिन्ना नहीं रहेगा, पिन्ना पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशम है, लीलन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, इत्यादि प्राप्त होते हैं। और जो प्राणिज जगत का रेशा होता है उसमें से दो मिलते हैं, एक ऊन मिलता है, दूसरा रेशम। तो यही रेशम हम पढ़ने जा रहे हैं। और खनिज में हो जाएगा, खनिज में हमारा हो जाएगा एस्बेस्टस, सोना, चांदी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, एस्बेस्टस, ठीक है। इसके बाद ये जो रेशम है ये कैसा है? ये पहले तो प्राकृतिक जगत का रेशा है, दूसरा प्राकृतिक जगत में कौन से, ये प्राणिज जगत का रेशा है, ठीक है। तो इसी रेशम को हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक जगत से प्राणिज जगत का रेशा है और इसमें किसकी प्रधानता होती है या इसमें इसका मुख्य पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। क्योंकि प्राणी जगत के जितने भी रेशे होंगे, चाहे ऊन की बात करें चाहे हम रेशम की बात करें, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उसका जो बेसिक आधार होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसलिए हम इसको प्रोटीन जगत के फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तब अब हम आगे देखते हैं इसका उद्भव, इसका इतिहास, कैसे रेशम आया। थोड़ा सा इसका चित्र में अगर देख ले हम, तो इसमें जो इसका चित्र है ये देखिए, ये रेशम का कीड़ा है, ये रेशम का एक कीड़ा है। और रेशम का कीड़ा जब अंडे देता है तो ये देखिए रेशम के अंडे, अंडे से फिर क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और लार्वा के बाद फिर जो स्टेज हमारी आती है वो प्यूपा की आती है, और प्यूपा के बाद फिर उसके बाद कीड़ा हमें प्राप्त होता है। तो जो प्यूपा अवस्था है, यहाँ से दो टाइप में, यहीं से प्यूपा अवस्था से ही हमें क्या मिलता है? कोकून मिलता है, ठीक है। और कोकून कैसे बनता है? ये जो लार्वा है यह अपने
मुंह के पास इसके दो छिद्र होते हैं, यहाँ से यह लार निकालता है और लार यह इस कीड़े के ऊपर ऐसे कवर होते जाता है और ये पूरा लार से ढक जाता है। और जब यह कीड़ा लार से ढक जाता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं इसका उद्गम और इतिहास। तो इसके इतिहास की बात करें तो चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। ईसा के लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागों से वस्त्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। रेशम के उद्गम एवं इतिहास से संबंधित कई किंवदंतियां एवं दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक दिन चीन की महारानी सी लिंग ची, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, सी लिंग ची अपने उद्यान में बैठी चाय पी रही थी, तभी उसने पेड़ पर लटके एक कोकून को देखा और उसने उस कोकून को पेड़ से तोड़कर बची हुई गर्म चाय के कप में डाल दी। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि उस कोकून से चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक, अविरल रेशा लिपट रहा है। उसने और कई कोकून को एकत्रित करके उससे रेशा निकालकर फिर बुनकर वस्त्र रूप में तैयार किया और महाराजा को भेंट किया। तभी से चीन में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ठीक है, चीन में उस महारानी सी लिंग ची, जो महारानी थी जिनके चाय में कोकून गिरा था, उनका नाम था सी लिंग ची, उन्हें ही रेशम की देवी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम की देवी किसे कहा जाता है, तो सी लिंग ची को रेशम की देवी कहा जाता है। अब चीन में रेशम निर्माण उद्योग ईसा से 2000 वर्ष पूर्व ही फूलने लगा था। ठीक है, और परंतु चीनियों ने रेशम निर्माण कला के इस रहस्य को 2500 वर्षों तक अन्य देशों से और लोगों से छुपा कर रखा था, केवल अपने तक ही सीमित रखा। लेकिन धीरे धीरे यह कला पर्सिया से होकर पश्चिम तक फैलने लगी। वर्तमान में चीन विश्व में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है और विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान प्राप्त है। लेकिन अगर कहें रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, तो भारत उपभोग करने में रेशम के प्रथम स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। और भारत में जम्मू काश्मीर, मैसूर, कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए मशहूर हैं। टसर रेशम का उत्पादन बंगाल और बिहार में होता है। असम का मूंगा रेशम अपनी उत्कृष्टता और सुनहरे पीले रंग के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। एरी रेशम का उत्पादन भी असम में ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ रेशम का उत्पादन से संबंधित हो गया। अब हम देखेंगे इसकी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है रेशम का उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क, कि इससे वस्त्र निर्माण कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि रेशम के कीड़ों का पालन कैसे होता है या रेशम के कीड़ों को कैसे हम पालते हैं। तो सबसे पहले ये है कि रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। कभी कभी ये हो सकता आ जाता है क्वेश्चन कि रेशम विज्ञान या रेशम के कीड़ों के पालन को हम क्या कहते हैं या रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे कि रेशम के कीड़ों का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। इसी अल्प अवधि में यह 4 अवस्था से होकर गुजरता है। कौन कौन सी है इसकी अवस्थाएं, पहली है अंडा जिसको हम एग इंग्लिश में बोलते हैं, दूसरी लार्वा अवस्था, तीसरी प्यूपा अवस्था और चौथी कीड़ा जिसको हम मोथ बोलते हैं। ठीक है, इसका क्रम भी लगाने के लिए, कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, तो इसका क्रम हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, वो ट्रिक है अल्प्यूकी। क्या है, अल्प्यूकी। अल्प्यूकी में अगर देखें तो आ से क्या हो गया, अंडा हो गया, ला से लार्वा और प्यू से प्यूपा, की से कीड़ा। तो ये 4 अवस्था हो गई रेशम के कीड़े की। ठीक है, तो पहली हो गई अंडा, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और चौथी कीड़ा,
यहाँ चित्र में जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यह एक रेशम का कीट है, उससे क्या प्राप्त होता है, अंडा की प्राप्ति होती है, अंडे, अंडे से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है, और लार्वे के बाद फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद फिर हमारा वयस्क रेशम कीट बन जाता है। तो प्यूपा में दो अवस्थाएं होती हैं, एक हो गया कोकून की और दूसरा ये जो वयस्क कीड़ा बन रहा है इसका, क्योंकि जो ये ये लार्वा है, लार्वा क्या करता है कि अपने मुख से लार निकालता है, ठीक है, लार निकालता है, वो लार क्या होता है इसके चारों ओर कवर बना लेता है, ठीक है, जब ये कवर बना लेता है रेशम के लार्वा को पूरी तरह से ढक लेता है तो क्या बन जाता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं कोकून, ठीक है। जब रेशम का एक कीड़ा है, रेशम का कीड़ा अपने ऊपर पूरी तरह से लार से अपने आप को ढक लेता है तो इसी को हम बोलते हैं कोकून, ठीक है, और यही कोकून से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। तो इसी अवस्था में हम क्या करते हैं, कोकून को निकाल लेते हैं, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं तो अंदर से कीड़ा मर जाता है और इससे हमें रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। और इसी कोकून को अगर हमें रेशम का कीड़ा चाहिए होता है तो इस कोकून को हम मारते नहीं है, कुछ दिन के लिए और छोड़ देते हैं, तो रेशम का कीड़ा क्या होता है, इसको फाड़ के, मतलब जो ऊपर की कवरिंग इसके रहती है इसको फाड़ के वो वयस्क, मतलब रेशम का कीड़ा बन जाता है, जिसको हम, जो फिर से अंडे देता है और फिर से लार्वा, प्यूपा और अन्य अवस्था से गुजरता है। आगे देखते हैं, रेशम प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। प्यूपा कौन सी अवस्था होती है, जब रेशम का कीट अपने चारों ओर जो उसकी लार होती है उसकी पूरी कवरिंग कर लेता है, तो उसी अवस्था में, प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। कुछ बढ़िया किस्म के कोकून को कीड़े बनने तक छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कीड़े कोकून को फाड़कर बाहर निकलते हैं और आगामी फसल के लिए अंडे देने हेतु तैयार होते हैं। तो इस प्रकार रेशम के कीड़े या सिल्क वार्म का उत्पादन दो मुख्य कार्य के लिए किया जाता है, एक आगामी फसल प्राप्त करने के लिए और दूसरा रेशम प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम सारे कोकून को मार दें सिर्फ रेशम प्राप्त करने के लिए, तो फिर अगली बार हमें रेशम कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि अगली बार फिर से हमें रेशम, मतलब सिल्क के अंडे की जरूरत पड़ेगी, अंडे से फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, तब हमें रेशम मिलेगा। तो इसलिए इसका जो उत्पादन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक रेशम कीड़े की प्राप्ति के लिए, मतलब आगामी फसल के लिए, और एक जो है रेशम के धागे के लिए, ठीक है, रेशम के धागे की प्राप्ति के लिए। अब हम देखते हैं इसके बाद, अभी तक तो हमने देख लिया कि इसका उत्पादन कैसे होता है या इसका पालन कैसे होता है, रेशम के कीट का पालन कैसे होता है, तो उसमें हमें समझ में आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें वस्त्र निर्माण की सारी प्रोसेस देखना है, तो पहली तो ये हो गई कि हम कोकून कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोकून के बाद जब दूसरी हमारी अवस्था आती है वो हमारी कोकून की छटाई आती है, क्योंकि जब हम रेशम के कीड़े को पालते हैं, पालने के बाद जब वो लार्वा अवस्था से प्यूपा अवस्था में आता है तो जैसे ही वो अपने शरीर के ऊपर कवर कर लेता है तुरंत हम उसकी छटाई करना शुरू कर देते हैं, वहां से जो अच्छे किस्म के कोकून होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कोकून की छटाई होती है, मतलब शार्टनिंग ऑफ कोकून, जो अच्छे किस्म के कोकून होते हैं उनको हम छाटते हैं, उनको निकालते हैं, और बाकी कोकून को आगामी फसल के लिए हम अलग से छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जब कोकून की छटाई हो जाती है उसके बाद फिर अगले प्रोसेस जो आती है वो गोद ढीला करना, ठीक है, सॉफ्टिंग ऑफ सेरेशिन, क्योंकि इसमें सेरेशिन नाम का गोद, देखिए जो हमारा रेशम होता है, रेशम या हम कह सकते हैं रेशम में जो कोकून होता है इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक गोद पाया जाता है और दूसरा प्रोटीन पाई जाती है। गोद कौन सा पाया जाता है, जिसका नाम है सेरेशिन, सेरेशिन नाम गोद पाया जाता है, और प्रोटीन फाइब्रिन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो यही सेरेशिन और फाइब्रिन प्रोटीन दोनों मिलकर धागे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यही पूरा रेशम के जो लार्वा रहता है उसी के ऊपर लिपटे रहते हैं, जब लिपटे रहते हैं तो कोकून की छटाई जब हम कर लेते हैं
तो इसके गोद को, कौन सा गोद? यही होता है जो सेरेशिन है। सेरेशिन जो है इसी को ढीला करने के लिए, क्योंकि जब गोद ढीला, क्योंकि गोद की वजह से सारे रेशम आपस में चिपके हुए होते हैं, तो इसको हम ढीला करने के लिए वाष्प या गर्म पानी में डालते हैं। जब गर्म पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा इसका गोद ढीला हो जाता है, तो हमें जो रेशम होता है उसका छोर मिल जाता है, धागे का हमें छोर मिल जाता है। और उसके बाद जब हमें छोर मिल जाता है, फिर हम धागे को लपेटना शुरू करते हैं। तो गोद ढीला करने के बाद जो प्रोसेस आती है हमारी तीसरी, वो है धागे लपेटना। क्योंकि जब उसको हम गर्म कोकून को गर्म पानी में डालते हैं, तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक तो हमें गोद ढीला होता है, हमें धागे का छोर मिल जाता है रेशम का। दूसरा, रेशम के अंदर जो कोकून के अंदर का जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। क्या होता है? यहाँ कीड़ा मर जाता है, और कीड़ा जब मर जाता है उसके बाद हम धागे को लपेटना शुरू करते हैं। उसकी रेलिंग ऑफ फिलामेंट, मतलब जो फिलामेंट हमें मिलता है, जो धागा हमें मिलता है, क्योंकि धागा काफी लंबा होता है, तो उस धागे को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिर हम फिलामेंट को क्या कहते हैं? रील पर लपेटना शुरू करते हैं। और लपेटने के बाद फिर हम उसकी गांठें तैयार करते हैं, उसकी बेलिंग करते हैं, या कह सकते हैं उसकी लच्छियां तैयार करते हैं। फिर गांठे तैयार करने के बाद अगला जो हमारा प्रोसेस होता है वो धागा बनाना। ठीक है, यहाँ पर तो रेशम को लपेटे थे, इसके बाद हम धागा बनाना, क्योंकि रेशम का जो धागा होता है या वो इतना पतला होता है, तो उसमें कई धागे, 2-3-4 धागे आपस में लपेट के ऐंठ के एक साथ उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसकी कताई होती है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, मतलब धागे की बनावट होती है, जो उसमें 2-3 धागे को एक साथ लपेटना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद धागा बनाने के बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है गोद हटाना या डीगमिंग। क्योंकि जो सेरेशिन नामक गोद होता है वो हम एक साथ नहीं हटाते हैं। ठीक है, हम उसको एक साथ नहीं हटाते हैं, आंशिक रूप से हटाते हैं। पहले थोड़ा सा हटाते हैं, पहली बार जब हम गोद को हटाए थे तो उसका छोर प्राप्त करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए। दूसरी बार जब हम गोद को हटाते तो उसमें चमक आती है, तो आंशिक रूप से हम इसके गोद को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? आंशिक रूप से। ठीक है, अब गोद हटाने के बाद क्या होता है कि रेशम में और चमक आ जाती है। इसके बाद गोद हटाने के बाद वजन बढ़ाना, मतलब वजन बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम वेटिंग कहते हैं। वजन कैसे बढ़ाया जाता है? तो रेशम का जो धागा होता है, तो रेशम से जो तैयार कपड़े होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। जब हल्के किस्म के होते हैं तो उनका वेट बढ़ाने के लिए उन पर धातु की क्रिया की जाती है, या धातु के रेशे उन पर चिपकाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रेशम के वस्त्र होते हैं वो थोड़ा भारी हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, और वेटिंग के बाद फिर अगले प्रोसेस जो आती है वो ब्लीचिंग की आती है। उसके बाद हम ब्लीचिंग करते हैं, और ब्लीचिंग के बाद फिर हम रंगाई की प्रोसेस करते हैं, जिसको हम डाइंग बोलते हैं। डाइंग के बाद फिर प्रिंटिंग प्रोसेस, क्योंकि रंगाई इसमें बहुत आसानी से हो जाती, इस पे कोई भी कलर बहुत आसानी से चढ़ जाता है, तो रंगाई की प्रोसेस इसमें बहुत आसान होती है। और रंगाई के बाद फिर हम इस पे छपाई की प्रक्रिया करते हैं, प्रिंटिंग की प्रोसेस करते हैं, और छपाई के बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो परिस्कृतियां या परिसज्जा, जिसको हम फिनिशिंग। तो रेशम में खुद की अपनी प्राकृतिक चमक होती है, और ये बहुत मतलब मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इन पे कोई परिसज्जा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां तक इतनी प्रोसेस हुई रेशम के वस्त्र निर्माण की। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या, क्योंकि इसका भी सीक्वेंस लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। ऊपर नीचे देखिए कि क्रम लगाइए, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन। सबसे पहला हमारा रेशम कीट पालन है, यहां शायद लिख दे रहे हैं रेशम कीट पालन, ऊपर हम इसके बारे में ज्यादा देखे हैं। पहला है रेशम कीट पालन, फिर इसके बाद दूसरा है कोकूनों की छटाई, तीसरा है गोद ढीला करना, चौथा फिर धागे लपेटना, पांचवा गांठें तैयार करना, छठा पॉइंट फिर धागा बनाना, सातवें पॉइंट में है गोद हटाना डीगमी, आठवें पॉइंट में है वेटिंग वजन बढ़ाना, नवे पॉइंट में है ब्लीचिंग, दसवें में है रंगना, और ग्यारहवें में है प्रिंटिंग या छपाई।
परिसज्जा है लास्ट में, परिसज्जा सब में होता है लेकिन इसमें परिसज्जा की ज्यादा जरूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि इसमें खुद की इसकी प्राकृतिक चमक और सॉफ्टनेस रहती है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं, सिल्क की विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी दो विशेषताएं जैसे और हम रेशे में देखे हैं फाइबर में, एक भौतिक विशेषता होती है दूसरी रासायनिक विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक विशेषताओं में इसका संगठन है, संगठन में क्या है, क्योंकि ये प्रोटीन रेशा है तो इसमें दो चीज पाया जाता है, एक गोद पाया जाता है, गोद का नाम क्या है, सेरिशिन है, और दूसरा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम फाइब्रिन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेशम में जो गोद पाया जाता है उसका नाम क्या है, या रेशम में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो सेरिशिन नामक गोद पाया जाता है और फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके बाद इसकी अगर सूक्ष्मदर्शी हम संरचना देखें या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा दिखते हैं, तो ये चिकने कोमल और दो अलग अलग रेशों से बने हुए दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसे दो धागे से लिपटे हुए ये दिखाई देते हैं रेशम के, और बीच बीच में इसमें सेरिशिन नामक गोद से ये चिपके रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में सेरिशिन नामक गोद से ये चिपके हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद इसके अगर व्यास या डायमीटर की बात करें तो इसका व्यास जो है वह 0.00059, यहाँ एक ही, यहाँ दो जीरो होगा, तीन जीरो नहीं होगा। इसके डायमीटर की बात करें तो 0.0059 से लेकर 0.00118 इंच होता है, मतलब यह बहुत बारीक होते हैं। ठीक है, मतलब सब जितने भी प्राकृतिक धागे उनमें सबसे बारीक रेशम ही कह सकते हैं। इसके बाद अगर लंबाई की बात करें तो 1200 से 1800 फीट इसकी लंबाई होती है, और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। लंबाई ज्यादा होने के कारण ही हम इसको फिलामेंट बोलते हैं। यह प्राकृतिक जगत का इकलौता रेशा है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। और इसके रंग की बात करें, अगर कलर की बात करें तो उज्ज्वल क्रीम या पीला या भूरा रंग का होता है। ठीक है, रेशम जो हमारा होता है यह क्रीम कलर का या सफेद, इसका मतलब सफेद होता है, या सफेद या पीला या भूरा रंग का होता है। और चमक इसमें अत्यंत चमक होती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक चमक पाई जाती है, रेशम में प्राकृतिक चमक पाई जाती है तो यह अत्यंत चमकदार होते हैं। और अगर मजबूती की बात करें तो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक मजबूत क्या होता है, रेशम होता है। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे उन सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत कौन सा होता है, रेशम होता है। इसके बाद अगर फफूंद और कीड़े की बात करें तो फफूंद या कीड़े का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, लेकिन हाँ नमी में अगर बहुत दिनों तक हम छोड़ दें तो वह हानिकारक होता है। अगर प्रत्यास्था की बात करें, इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें प्रत्यास्था अधिक होती है लेकिन ऊन से कम होती है। अगर प्रत्यास्था की बात करें तो सबसे अधिक प्रत्यास्था जो है वो ऊन में होती है। ठीक है, और प्रतिस्कंदता की बात करें तो प्रतिस्कंदता भी सर्वाधिक जो होती है वो ऊन में होती है, और दूसरे नंबर पर रेशम में, मतलब प्रतिस्कंदता इसमें भी अधिक होती है लेकिन ऊन से कम होती है। पहले नंबर पे प्रत्यास्था की बात करें या प्रतिस्कंदता की तो सबसे ज्यादा ऊन में होती है, दूसरे नंबर पर फिर रेशम का नंबर आता है। ठीक, इसके बाद हम रासायनिक विशेषताएं देखते हैं। रासायनिक विशेषताओं में अम्ल का प्रभाव, तो सांद्र अकार्बनिक अम्ल का रेशों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सांद्र का मतलब होता है जो तीव्र होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब होते हैं, तो जो तीव्र अकार्बनिक अम्ल होते हैं इनका रेशों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कार्बनिक अम्ल जैसे फॉर्मिक, स्टीयरिक, टार्टरिक या एसिटिक, इन अम्लों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण ही इन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जाता है। तो अगर सांद्र अकार्बनिक अम्ल मतलब अम्ल की बात करें तो हानिकारक, लेकिन अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात करें तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।
और इन्हें अम्लीय रंगों में ही रंगा जाता है। कैसे अम्लीय रंग? कार्बनिक अम्लीय रंग। और क्षार का अगर प्रभाव की बात करें तो जो सांद्र या शक्तिशाली क्षार होते हैं ये रेशों को नष्ट, मतलब हानिकारक रेशों के लिए हानिकारक होते हैं, रेशों को गला देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम मृदु या नरम या उदासीन साबुन की सहायता से इनकी धुलाई करते हैं। जो सांद्र क्षार होते हैं ये इसके लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अगर रंग की बात करें तो रंग का जो प्रभाव होता है अम्लीय, बेसिक, डायरेक्ट और अन्य सभी प्रकार के रंगों से इसको रंगा जाता है, क्योंकि इसपे जो रंग होते हैं वह आसानी से चढ़ते हैं और पक्के रहते हैं। और विरंजक का प्रभाव, तो विरंजक जो है यह सिल्क रेशों पर तीव्र विरंजक जैसे क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो तनु विरंजक होते हैं उसका ज्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये इसके लिए उत्तम होता है, ठीक है। तो विरंजक का अगर हमें प्रयोग करना है सिल्क के लिए तो हम किसका करेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड का करेंगे। उसके बाद पसीने का प्रभाव की बात करें तो रेशमी वस्त्रों पर पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है, बुरा पड़ता है और पसीने वाले स्थान पर रेशम कमजोर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसका अगर विशेषताएं देख लिए, भौतिक विशेषताएं देख लिए, रासायनिक विशेषताएं देख लिए, थोड़ा सा हम इसके टाइप देख लेते हैं कि रेशम के प्रकार कितने होते हैं। तो रेशम मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक उत्पादित रेशम, दूसरा स्वनिर्मित रेशम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो कल्टीवेटेड सिल्क और वील्ड सिल्क, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं उत्पादित रेशम किसे कहते हैं। तो उत्पादित रेशम ऐसे रेशम जिसका उत्पादन रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उचित दशाएं देकर रेशम की प्राप्ति या वस्त्रों जिससे वस्त्र निर्माण होता है उसके लिए जो रेशम की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है उसको हम उत्पादित रेशम कहते हैं। और ये उत्पादित रेशम भी दो प्रकार से होता है, पहला है लपेटा हुआ रेशम, दूसरा कता हुआ रेशम, ठीक है। लपेटा हुआ रेशम, कता हुआ, ये उत्पादित रेशम जहां आएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ मतलब अच्छी से अच्छी मतलब जो अवस्थाएं देकर जो अपने से मतलब रेशम उत्पादन के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है वहां पे रेशम उत्पादन किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं उत्पादित रेशम। तो यहाँ इसमें दो टाइप के होते हैं, एक लपेटा हुआ रेशम, दूसरा कता हुआ रेशम। तो लपेटा हुआ रेशम जो होता है यह उत्कृष्ट श्रेणी के अलौकिक सुंदरता से युक्त वैभवशाली वस्त्र, जो लपेटा हुआ रेशम होता है यह सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम टाइप का इससे रेशम प्राप्त होता है और इससे अच्छे वस्त्र बनते हैं। और लपेटा हुआ जो रेशम होता है उसके लपेटने के पश्चात जो बच जाते हैं कुछ कता हुआ रेशम, जो उसके टुकड़े छोटे छोटे बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं कता हुआ रेशम, ठीक है। और जिसको बोलते हैं स्पन सिल्क, इससे क्या होता है इससे निम्न कोट के वस्त्र बनते हैं, जैसे सूती वस्त्र जैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे नहीं। ये इसी का पार्ट है, जो उत्पादित रेशम होता है इसमें जो अच्छी क्वालिटी का रेशम हम निकाल लेते हैं उसके बाद जो टूटा फूटा रेशम, छोटी छोटे मोटे रेशम ये सब बचे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कता हुआ रेशम। अगला जो दूसरा टाइप है वह है स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित रेशम वो रेशम होते हैं जो अपने से पैदा होते हैं, ठीक है, जिनकी पैदावार हम नहीं करते हैं, अपने आप से होते हैं, जैसे जंगल में हम कह सकते हैं पेड़ पौधों पर ऐसे अपने आप कीड़े पल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित रेशम तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, एक मूगा रेशम, दूसरा टसर रेशम, तीसरा एरी रेशम। मूगा रेशम क्या होता है, यह ओक के पेड़ पर पलने वाले जो रेशम कीड़े से प्राप्त होते हैं, ठीक है, किससे? ओक के पेड़ पर, ओक के पेड़ पर जो रेशम कीड़े पलते हैं उनसे जो रेशम प्राप्त होते हैं उन्हें हम मूगा रेशम बोलते हैं। और ओक और बबूल के पेड़ पर जो रेशम पलते हैं रेशम के कीड़े उनसे जो रेशम प्राप्त होता है उसे हम टसर रेशम कहते हैं, और अरंडी के पेड़ से जो रेशम प्राप्त होते हैं उसको हम एरी रेशम के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। तो जो मूगा रेशम होता है वो किस कलर का होता है, वो भूरे रंग का होता है,
और एक मूगा रेशम असम से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम असम का मूगा रेशम कहते हैं। इसका रंग सुनहरा पीला होता है और इससे सर्वोत्कृष्ट प्रकार के वस्त्र या रेशम प्राप्त होते हैं। कैसे रेशम? उत्कृष्ट रेशम प्राप्त होते हैं, उत्कृष्ट रेशम की प्राप्ति होती है असम के मूगा रेशम से, ठीक है। इसके बाद जो टसर रेशम होता है, ये ओक बबूल पे पड़ने वाले रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। और स्पेशली ये कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में पाए जाते हैं। और एरी रेशम जो होता है, या अरंडी के पेड़ पर पलने वाले रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, इसका रंग पीला होता है। और बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल और बिहार में पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्वनिर्मित रेशम के टाइप। और ये जो रेशम हो गया उत्पादित रेशम, उत्पादित रेशम क्या होता है कि इसको जब हम रेशम के कीड़े को पालते हैं तो ये रेशम के कीड़े को जो पालते हैं तो ये कौन सी पत्तियां खाते हैं? सहतूत। दो तीन चीजें याद कर लीजिएगा, सहतूत की पत्ती खाते हैं। और जो रेशम का कीड़ा हमारा है उसका नाम क्या होता है? तो रेशम के कीड़े का नाम है बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। तो जो उत्पादित रेशम होता है, इसमें अच्छी क्वालिटी के रेशम का पालन एक प्रयोगशाला में या खुद उसको उसका उत्पादन किया जाता है और उन्हें खाने के लिए शहतूत की पत्ती दी जाती है, उससे अच्छी क्वालिटी के रेशम की प्राप्ति होती है। तो ये हम देख लिए सिल्क के प्रकार में, रेशम के प्रकार में, एक हो गया उत्पादित, दूसरा स्वनिर्मित। उत्पादित में लपेटा हुआ रेशम, कटा हुआ रेशम। फिर स्वनिर्मित में हम देखे मूगा रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम। मूगा रेशम ओक के पेड़ से प्राप्त, टसर रेशम ओक और बबूल के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त, एरी रेशम अरंडी के पेड़ पे पलने वाले रेशम से प्राप्त रेशे होते हैं। इनका कलर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है रेशम के बारे में। अब अगले दिन हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हम किसी अलग प्रकार के रेशे के बारे में फिर से हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।